मैं चे शौक तू पूछिया संगत मेरी अख्तर साहब मैं चे शौक तू पूछिया संगत मेरी दसो कीमती है कितनी सारी उन हाथ ते यार सुहा रख के मेरे सामने फूक चला सरगोदा अगर प्यारा ना होंदा ते कन्वेंशन रोड ते फवारा ना होंदा ते पुल दे उत्ते इशारा ना होंदा ते सरगोदे आन दा मोड़ दोबारा ना होंदा हुंदा अगर जे इधर माडा बाजार दे झूलां दा स्वाद करारा ना होंदा सब काली रोड दी ते नूरीगढ़ वसी दी गलती है ने ते कोई भी बच्चा सरगोदे दा आवारा ना होंदा। अस्सलाम वालेकुम, सरगोदा रन को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। क्या चीजें लाइक करते हैं हम? सरगोदे का माल्टा लाइक करते हैं। सरगोदे का माल्टा तो हर को लाइक करता है, वो तो यहाँ पे मौजूद है, एक नेमत जैसी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा पोइट्री वगैरह क्या चीज़ आप शौक करते हैं? मैं ज़्यादा टिकटॉक वगैरह बनाता हूँ, पोइट्री मुझे अच्छी लगती है सरगोदा की। जी, तो सरगोदा के हवाले से कोई पोइट्री सुना दे। सरगोदा अगर प्यारा ना होंदा ते कन्वेंशन रोड ते फवारा ना होंदा ते पुल दे उत्ते इशारा ना होंदा ते सरगोदे आन दा मोड़ दोबारा ना होंदा हुंदा अगर जे इधर माडा बाजार दे झूलां दा स्वाद करारा ना होंदा सब काली रोड दी ते नूरीगढ़ वसी दी गलती है ने ते कोई भी बच्चा सरगोदे दा आवारा ना होंदा। यानी कि आपके हिसाब में सब बच्चे सरगोदा के आवारे हैं? नहीं नहीं, आवारा नहीं है जी, वैसे पोइट्री जो मैंने खुद तैयार की है। इसके अलावा कोई और पोइट्री सरगोदे के बारे में सुनाते हैं आपको। कहंदा है खट्टे अंगूर होसन ते बंदे सरगोदे दे वफादार जरूर होसन। ये तो बात हकीकी है, सरगोदे के वफादार तो हद से ज्यादा है। यही बात है, सरगोदे की मिट्टी वफा करती है। हम लव करने वाले बंदे हैं, लव यू ट्रक भर के। जो भी ये गाइस वीडियो देखे भाई को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट किया करें, बाकी लव यू ट्रक भर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, फिल्में वगैरह देखते हैं? फिल्में वगैरह जी वो भी कभी कभी देख लेते हैं। ज्यादा शौक है मुझे पोएट्री का, पंजाबी का, पंजाबी दौड़े दौड़े दौड़े। अच्छा, किस शहर के शौकीन हैं आप? काविश तमीमी का जी। काविश तमीमी, ऑल द बेस्ट सर, सबका बेहतरीन फेवरेट है आजकल जी। आजकल जो ऊपर नाम है उसी का ही आता है, उसका एक शेर है, अगर मैं आपकी गोश गुजार कर दें। ठीक है जी, वो दोस्तों के बारे में है, वो दोस्त बैठे होते हैं, वो पूछता है कि मेरी आप में कितनी कदर है। अच्छा, वो अपनी कदर बताते हैं। वो कहता है इको रोतल वेली खुशियां दी असा संगता नाल गुजारी, इको रोतल वेली खुशियां दी असा संगता नाल गुजारी, बस कावे वत मैं लोग गई मेरी हस्ती घर गया। मैं चे शौक तू पूछिया संगत मेरी अख्तर साहब, मैं चे शौक तू पूछिया संगत मेरी दसो कीमती है कितनी सारी उन हाथ ते यार सुहा रख के मेरे सामने फूक चला। बड़ा दुखी शेर, क्या कहना। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा एक और है, वो एक है, वो दोस्त से पूछता है, उसके पीछे ना वो बड़ी मेहनत करता है कि यार मेरा दोस्त हो जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो आगे रिस्पॉन्स नहीं देता। वो आगे शायर कहता है कि तेरे दर्द की सलामी दे इफ्ज़े दे विच अखी वेखी है जेड़ी कयामत ना पहुँच, रोज़े महशर तू वादो समा वेखी है नहीं तो सावण दे काबिल नदामत ना पहुँच। उस दिन तू दिल नाल करके सलाह तेरी यादा दा मंदिर गिरा छोड़िया बन के सबर होता अम्बल दिया पेशवा दोस्ती दा जनाजा पढ़ा। अपने हथी मगारत दे जरनल तू, अपने हथी मगारत दे जरनल तू तेरी यादा दा लश्कर मरा छोड़िया गुजरे वेले दा नक्शा मिटा छोड़िया तैन भुला छोड़िया हुण भुला छोड़िया। क्या कहने, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कब से आप शायरी का शौक रखते हैं? बस ये इधर आए हम ना, वो ट्रेनिंग पे तो उधर वो लोनली सा माहौल होता है, तो फिर ये पोएट्री का शौक चढ़ गया वगैरह में एंजॉयमेंट हो जाती है। चलो ठीक है, एंजॉय करें, सरगोदा रंग को दीजिए इजाजत। यूट्यूब चैनल हमारा सरगोदा रंग है, आप विजिट करें, इंशाल्लाह आपकी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई। अच्छा ये बताएं, फिल्में वगैरह देखते हैं? नहीं, फिल्में तो कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी? बिल्कुल नहीं वेद? नहीं वेद, बिल्कुल नहीं वेद। असि और सुनने आ जनाब। अच्छा, मुशायरे दे शौकीन हो? जी हां जी हां, बिल्कुल जबरदस्त। केड़ा शायर है तुम्हारा? साडा फेवरेट शायर है महाराला दित्ता नदीम। अल्लाह दित्ता नदीम, जंग दी धरती दे। जी हां जी हां, तो फिर जंग दी धरती दे कोई दोड़े वगैरह सुना दियो सन। जी हां सुना सकने हां। मैं एक फद्दो ते शुरू हो जा। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वेखण वाले नूं मेरे तरफों मुबारक तरबास नारे तरफों सलाम होवे। ते भाईजान, हर फुल दी किस्मत गजरे नहीं, हर फुल दी किस्मत गजरे नहीं, हर गजरे किस्मत बां नहीं, ते कदी धोपा वेंदी है फुल्लां ते, सदा फुल तेरां दी छां नहीं, ते बंदे कई कई फुल्लां दी कदर करेंदे, सारा कदर शनास जहां नहीं,
फुल सुख भी वन तो फुल सदवेंदन फुल कतन वटेंदे ना नहीं जेड़ी लोड़ ते डा दी जादे चोवे प्यारे भाई तवज्जो जेड़ी लोड़ ते डा दी जादे चोवे उस मन दे लगन तो बचिए राती तार चनाए च वड़िए नहीं तत्ते थाल दे बजन तो बचिए नंगी पई रह लाश नदीम निसंग दे दुश्मन दे कजन तो बचिए चंगी नस्ल दा दुश्मन बेहतर है बाद नस्ले सजन तो बचिए। भाई जान तुहाडे वास्ते खास दौड़ा ईद वास्ते लिखा है कि कदी कड़की धुप मजबूरियां दी कदी सिर ते प्यार दी छां हो गई कदी सासा हिजर दी तलखी वेच कदी हर शब ईद दे ना हो गई कोई टाइम जवेद मुकर्रर नहीं उदों करम दी नजर जदां हो गई असा कहीं दी ईद नू ईद गिणा जदां दिस पे ईद उदां हो गई। आ मेरा आखरी दौड़ा जनाब के सारी रात ता साए जई लमड़ दी गल है तेरा मिंट सुखा नहीं शारे च सारी रात ता साए जई लमड़ दी गल है तेरा मिंट सुखा नहीं शारे च इथों से जवेद परां करवां ओले पासे आ नहीं शारे च तेरी वजह तू होर कोई जान हो वे सी ने भड़का नहीं शारे च। बड़ा रोग है कब से ये शायरी वगैरह इंजॉय कर रहे हैं? कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे ये शायरी करते हुए। यानी क्या नदीम के अलावा कोई और भी शायर फेवरेट है आपका? बहुत सारे शायर हैं लेकिन मैं उसका शागिर्द हूँ तो मैं उसी के शागिर्दी इख्तियार की हुई है। जी जी शागिर्दी इख्तियार की हुई तो उसी के शेर पढ़ता हूँ और किसी के पढ़ने की अभी इजाज़त भी नहीं मिली। क्या कहना, यानी क्या सर ने जो आपको कहा है कि अभी फिलहाल मेरे ही पढ़े वही शेर पढ़ रहा हूँ। कितने अरसा उनकी शागिर्दी आपने की है? मैंने उनकी शागिर्दी 2 साल से शुरू की है, वैसे तो शौक मुझे 5 साल से है शायरी का। अच्छा। लेकिन शागिर्दी 2 साल से नहीं, ये जो शागिर्दी आपने इख्तियार की है अब कुछ ना कुछ बन कर आप क्या पेश करना चाहते हैं, क्या आपका नज़रिया क्या है? मेरा ये नज़रिया है कि मैं एक अच्छा अदीब अच्छा लिखारी बनूं। अच्छा। और अपने मुल्क पाकिस्तान में एक अपना नाम रोशन करूं। अच्छा। ताकि मेरे उस्ताद का भी पूरे मुल्क पाकिस्तान में नाम है। बिल्कुल, वो जंग की धरती से आप सभी जानते हैं। बिल्कुल, तो मेरे उस्ताद का भी नाम है और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा भी पूरे पाकिस्तान में नाम हो एक दिन। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बख्त देगा। जी जी। जो आपके जहन में नज़रिया है इंशाल्लाह आप उस तक ज़रूर पहुंचेंगे। आप सरगोधा रंग को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर कभी। बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको फिर सॉन्ग ही सुना लेता हूँ। सॉन्ग सुनाएंगे? हाँ जी। कौन सी मूवी का? तो ये मूवी है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। अच्छा। तो उसका सॉन्ग है मैं तेनु समझावा की। अच्छा, ये ले फिर माइक अपने हाथ में पकड़ लें और शुरू हो जाए। मैं तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू दिल तू यो जान मेरी, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनु समझावा की, मैं तेनु समझावा की। बस हो गया, इतना ही सुनाना था। जी जी, इतना ही। अच्छा, बस। ये कोई इश्क का रोग तो नहीं लगा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बस एंजॉय करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करते हैं। और कोई इस हिसाब से आपको और भी सॉन्ग आते होंगे? नहीं ज्यादा तो नहीं आते। अच्छा। बस थोड़े बहुत। बस यही था जो आपकी फेवरेट मूवीज थे आपको पसंद आए? वैसे मेरा फेवरेट एक्टर तो आमिर खान है ऑब्वियसली। हाँ जी, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो, मेरे फेवरेट। उनका कोई सॉन्ग सुना सकते हैं? उनका कोई सॉन्ग? अच्छा, ये बताएं उनकी फेवरेट मूवी आपकी कौन सी? उनकी फेवरेट मूवी जो है वो दंगल आई थी। दंगल रिसेंटली, वो अच्छी मूवी है। उन्होंने उसमें जो है वो उन्होंने अपना जो वेट लूज किया और गेन किया वो एक बड़ा मोटिवेशनल था सबके लिए। बिल्कुल। चलो ठीक है, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया।